5th अगस्त को हम लोग NILP प्रोग्राम के नीचे अडल्ट जो इलिटरेट्स थे उनका एग्ज़ाम कर रहे हैं। हमारा एम है कि हम पहले यूटी और पहले स्टेट बने जो फुली लिटरेट अपने आप को डिक्लेयर कर पाए। हमने इन जो सारे अडल्ट इलिटरेट्स थे उनको पिछले एक डेढ़ साल पे आइडेंटिफाई किया, उसमें करीब 31,000 ऐसे लोग निकले थे जिसमें से 7,500 को पहले हम NILP के एग्ज़ाम के थ्रू पास कर चुके हैं। इस फेज़ में जो सेकंड फेज है उसमें हम करीब 21,000 लोगों का एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं 5 तारीख को। इसकी सारी तैयारियां कर ली हैं, करीब 620 सेंटर को हमने असेसमेंट सेंटर्स खोले हैं और करीब 1600 लोगों की ड्यूटी लगाई है। सो हमारा जो इसमें इंटेंशन ये है कि जितने भी हमारे अडल्ट रिलेटेड्स हैं उन सबका हम एग्ज़ाम लें एंड एग्ज़ाम में अगर वो पास होते हैं तो उसके बाद हम उन लोगों को जो प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट दे हैव मेट द नॉर्म्स अंडर एडल्ट लिटरेसी, उनको वो सर्टिफिकेट दिया जाए। सो बहुत इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है। मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि जितने भी लोग इलिट जो जिन्होंने हमारे पहले ट्रेनिंग लिया हुआ है वो सब आके अपना 5 तारीख को एग्ज़ाम दें, अपना असेसमेंट दें। उनको भी खुशी होगी कि उनके हाथ में एक भारत सरकार का सर्टिफिकेट मिलेगा कि हमें हम लिटरेट हैं और कॉम्पिटेंट हैं, जो भी नॉर्म्स हैं उसको मीट करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि अब CTET सेंटर यहाँ पे हमने हमारे यहाँ पे खुल गए हैं लद्दाख में, दोनों लेह और कारगिल में। वो एग्ज़ाम जो है हमारा 20 तारीख को होगा, 20 अगस्त को। उसके लिए सेंटर्स भी आइडेंटिफाई हो गए हैं, सारी तैयारी हो गई है। जितने भी लेह और लद्दाख, लेह और कारगिल के बच्चे हैं जिन्होंने परमानेंट एड्रेस में अपना या अभी प्रेजेंट एड्रेस में अपना लिखा हुआ है कि हम लेह या कारगिल में रहते हैं, उनको वहीं के हमने एडमिट कार्ड इशू कर दिए गए हैं। अगर किसी को ज़रा सा भी उसमें कोई चेंज चाहिए तो मैं उन रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इमीडिएटली अपने CEO को CEO के ऑफिस को अप्रोच करें, 7 तारीख से पहले अप्रोच करें। इसके लिए हम एक सर्कुलर भी जारी किया है हमने। बट जो भी बच्चे CTET की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो अपना एग्जामिनेशन सेंटर अगर चेंज कराना चाहते हैं लेह या कारगिल से किसी और सिटी में चाहते हैं तो हमें जल्दी आके उसमें अप्रोच कराएं।